हीरा है सदा के लिए, कितनी सुंदर टैगलाइन है। और हीरा चूंकि सदा के लिए होता है इसीलिए उसकी कीमत होती है। हीरे के बारे में हमने यही सुना है कि वो खदान से निकलता है और फिर पॉलिश होने के लिए कारीगरों के पास जाता है। बेल्जियम के कारीगर बहुत मशहूर हैं और हिंदुस्तान में सूरत के कारीगर बहुत मशहूर हैं। हीरे का जो पहला चरण है जहाँ से हीरा इंसान को मिलता है, वो सोचने पर आपके दिमाग में खदान ही आती होगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। लेकिन हीरे की खदान यहाँ सूरत में भी है, जाइए भाई साहब, हीरे की खदान यहाँ सूरत में भी है और वो किसी बहुत बड़ी कौरी या बहुत बड़ी गड्ढे की तरह नज़र नहीं आती है। वो देखने में आपको लगेगा कि वो कचरा है और उसमें से निकलता है हीरा। और ये सूरत का कौन सा इलाका है? मिनी बाज़ार। ये सूरत का मिनी बाज़ार है। ये पांडे साहब हैं और इन्हें हमने आज अपने साथ में रख लिया। ये सूरत में ही रहते हैं, बनारस के हैं, और इन्हें हमने साथ में इसलिए रखा है क्योंकि ये दोनों भाषाएं बहुत अच्छे से बोलते हैं, हिंदी भी और गुजराती भी, जिसमें ये काम हमें समझाया जाएगा। भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। ये राजू भाई हैं। और राजू भाई आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फ़िलहाल रेत या मिट्टी छान रहे हैं और इसमें से ये हीरा निकाल लेते हैं। तो आप भी यहाँ पे आ जाइए तो मैं पूछता रहूँगा, तो फिर आप इन्हें बताइएगा कि मेरा सवाल क्या है कि ये जो मिट्टी है ये कहाँ से लेके आते हैं आप रोज़? बाज़ार में। और कहाँ कहाँ के बाज़ार से लेते हैं? एक ये तो मिनी बाज़ार वाला इलाका हुआ। मिनी बाज़ार सूरत का वो इलाका है जहाँ पे डायमंड ट्रेड होता है, बहुत सारे कारीगर यहाँ पे हैं। और कहीं ऐसे भी लाते हैं मिट्टी? नहीं, आप यहीं के देते हैं। और रोज़ कितनी मिट्टी इकट्ठा कर लेते हैं आप? 18 की मिट्टी। क्या कह रहे हैं, क्या बोले आप? इतनी मिट्टी है इतनी। अच्छा, जितनी यहाँ पे नज़र आ रही है इसमें, समझ लीजिए। अच्छा, और इसमें से हीरा कितना मिल जाता है आपको? एक मिल जाता। क्या कह रहे हैं? एक दो मिल जाता है। एक दो हीरा मिल जाता है रोज? हाँ। अच्छा, आज भी मिला आपको? आज वो आप जो चुन के रख रहे थे थोड़ी देर पहले, वो कहाँ गया? वो एक प्लेट में, छोटी सी डिश में था। अच्छा, ये क्या है? ये चूरा है, समझ लीजिए, छोटा वाला हीरा है। ये एकदम छोटा साइज का हीरा है। अच्छा, हाँ। तो कैमरा ले लीजिए। तो ये ठीक है, वो आ जाएंगे। तो और ये कितनी कीमत का होगा? ये कुछ नहीं है, नहीं। कोई कीमत नहीं है डायमंड में, कोई कीमत नहीं है। अच्छा, हाँ। तो फिर ये क्यों छान रहे हैं, इसमें कीमत नहीं है? कीमत नहीं है मतलब कि इसका कोई कीमत नहीं कर सकते हैं। 100 रुपये भी आ सकता है, 1,00,000 रुपये भी आ सकता है। अच्छा, हाँ, जो इसका मास्टर होगा वही इसकी कीमत बता सकता है। हाँ, ठीक है। और आप भी यही काम करते हैं दोस्त? आपका नाम क्या है? भाविन। और आप भी इसी इलाके से कलेक्ट करते हैं या फिर और भी? मेरा रोड पूरा साफ करने का है। अच्छा, तो आप साफ भी करते हैं? हाँ, मैं झाड़ू मारता हूँ। तो आपके नगर पालिका की तरफ से कि ये काम खुद ही कर रहे हैं आप, ये झाड़ू मारने वाला? नहीं नहीं, हम पगार पे है। अच्छा, तो ये झाड़ू क्या पगार है आपको? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये, ठीक है। और ये काम, ये आपका निजी है? ये जो रोड का निकलता है ना, वो हम ले देख लेते हैं बस। अच्छा, जो निकलता है वो खर्चा पानी निकल जाता है। अच्छा, तो आपको भी मिला है हीरा कभी? जो मिलता है वो मिलता है। अच्छा, ये इनको आज। तो इसमें से कौन सा, इसमें जो तीन चार चीज़ें, इसमें से कौन सा वाला हीरा? कोई हीरा नहीं है, एक भी हीरा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, सब टूटा फूटा। अच्छा, टूटा फूटा हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि मुझे लोग बता रहे थे यहाँ पे कि ऐसे छानते छानते इसमें कभी कभी हीरा भी निकल आता है। क्या होता है, ये सब खर्चा पानी हो जाता है गरीब का। अच्छा, सुबह का बपोर का खाना पानी बस, और पगार ऐसे महीने में पगार मिलता है, बाकी कुछ नहीं इसमें। अच्छा, और आपको कभी मिला है? ये रख लीजिए आप। कभी 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 मिल जाता है। अच्छा, अगर ऐसे ही ऐसे टूटा फूटा खर्चा पानी निकाल लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पे रोजी रोटी कमाने का। मिनी बाज़ार के बारे में आपने सूरत में बहुत सुना होगा। काफ़ी सारा पॉलिशिंग का काम सूरत में हीरे का यहीं पे होता है, वहीं पे डील्स होती हैं, अच्छी खासी भीड़ होती है, वो बहुत देखा गया है। हमें बताया गया था कि यहाँ से जो कचरा निकलता है उसे सीधे
जो कचरे के यार्ड्स होते हैं वहाँ पे नहीं भेजे जाते, उससे पहले एक बार इस तरह के लोग छान के देखते हैं ताकि उसमें से अगर कभी किस्मत से हीरा निकल आए या फिर हीरे के कोई छोटे बिट्स एंड पीसेस निकल आए तो वो उनके पास हो और फिर वो उसे जा करके मार्केट में वापस बेचते हैं। बहुत खुलकर वो बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जैसे कि अंग्रेज़ी में मुहावरा है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ, वैसा इनके बारे में सोचा जाता है। कई लोग कहते हैं नशा करते हैं और अलग अलग तरह की बातें होती हैं, और कई बार जब ट्रेडर्स का हीरा गुम हो जाता है तो वो इन्हीं लोगों के पीछे पड़ते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमने इन्हें भी मनाया था बात करने के लिए। यहाँ जो देखा आपने ये एक जो छिपा हुआ हीरे का ट्रेड है सूरत में वो कैसा नज़र आता है उसकी झलक आपको दिखाता है। तरुण के साथ ललन टॉप की चुनाव यात्रा लेकर टीम हीरा फिलहाल सूरत में है। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी ललन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।